सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी। आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के नारी शक्ति आदर्श गौरव समाज भूषण सम्मान पत्र के अतिथि के रूप में कुमारी नेहा पटनायक, भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में प्रचलित करना जिनका उद्देश्य, नृत्य निर्देशिका रिदम क्वींस सेंट्रल इंडिया की पहली फीमेल बैंड जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में एक्सपर्ट, तेलंगाना राज्य के प्रतिनिधित्व करती हुई दिल्ली में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, इंडिया कल्चर ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली, सन 2018 में नेहरू युवा उत्थान छत्तीसगढ़ राज्य से नृत्य निर्देशिका के रूप में, वरिष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित हुई, अन्य संस्थाओं से सशक्त नारी सम्मान से सम्मानित हुई। इसके साथ ही सम्मान से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सम्मानित नृत्यांगना। इसी के साथ आपको बता दें कि एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली, जिनका उद्देश्य निराश मत होइए, संघर्ष जारी रखिए, तुझको चलना होगा, जीवन कभी भी आंधी आए पर तुमको चलना होगा, अपने मंजिल को पाने के लिए अपने तिरंगा का नाम रोशन करना होगा, इन शब्दों के साथ आज सोच विचार मीडिया और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता के प्रमुख डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान ने कहा कि हमारी ऐसी नारी सशक्त जो प्रदेश और देश का नाम गौरव कर रही है, हमें इस बात की अति प्रसन्नता है जो आज हम उन्हीं के मुख से उनकी भेंट वार्ता आपको सुनाने जा रहे हैं। आंगिकम भुवनम एस्या वाचिकम सर्व वामयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वम नुमः वंदे सात्विकम शिवम। नमस्कार, शिवा जोहार। अभी क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ये सिलसिला चल रहा है, उनकी भी एक विधा में और बच्चों को, समाज को जो हमारी वो होती है कलिया जिसको कहा जाता है बाल्यकाल से, उनको जो देने की जो एक शिक्षा होती है संस्कार के, उनको एक टीम बनाकर वर्क कर रही हैं और सारा आज हम उन्हीं से बात करने जा रहे हैं। लीजिए, आपको हम आज जिन उनसे परिचय कराने जा रहा है, उनका नाम नेहा पटनायक है और रायपुर की रहने वाली हैं। तो आप सबसे पहले हमारी जनता को जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनका अपना पूरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम नेहा पटनायक है और मेरा डांस एकेडमी है श्री नटराज नृत्यालयम का, और मैं रिदम क्वींस जो फर्स्ट गर्ल सेंट्रल इंडिया बैंड है उसकी डांस कोरियोग्राफर हूँ। और साथ ही मेरा लक्ष्य ये है, पहले तो मैं क्लासिकल डांसर हूँ, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी मैंने मेरी डांस गुरुजी MV लक्ष्मी मैम से सीखा है और भरतनाट्यम मैंने संध्या राज मैम से सीखा है यहीं रायपुर से। और अभी मेरा काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हो गए हैं जो कि मैं ग्लोबली रजिस्टर्ड भी हूँ, ग्लोबल एक्सलेंस बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, प्राइड इंडियन कल्चर्स बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और एशियन कल्चर्स बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये सारे अंडर वन रूफ थे, 222 मेंबर्स इन 222 मिनट्स। और रिसेंटली मैंने शिव नंदी अवार्ड्स लिया हुआ है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक्सलेंस अवार्ड लिया हुआ है और साथ ही शहर की देवी, रायपुर शहर की देवी का अवार्ड लिया हुआ है। और इन्हीं के साथ साथ कुछ सशक्त नारी का भी सम्मान प्राप्त हुआ है मुझे। और मेरा जो लक्ष्य है, पहले तो हम सबको जैसा कि पता है अभी आजकल का जो जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर्स को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर। बाकी अगर वही चीज़ हम बाहर देखते हैं, आउट ऑफ इंडिया देखते हैं, फॉरेन में, तो हमारे इंडियन कल्चर्स को लोग ग्रैस्प करते हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ को इंडियन कल्चर्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। बट वहीं हमारा इंडिया ऐसा जगह हो गया जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। बट मेरा मोटिव ये है कि हम इंडियंस हैं, इंडियन होने के नाते सबसे पहले तो हर एक सिटीज़न का राइट ये बनता है कि वो अपने इंडियन कल्चर्स को एक्सप्लोर करे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मेरा मोटिव वही है और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि
मैं अपना जो इंडियन कल्चर है, जैसे चाहे वो नृत्य के उसमें हो या कम्प्लीटली ट्रेडिशनल बेस्ड ही हूँ मैं भी, और मैं उसी चीज़ को फॉलो भी करती हूँ। तो मेरा मानना यही है कि सबसे पहले तो इंडियन कल्चर्स को एक्सप्लोर करूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत प्यारी चीज़ कह गई, एक थ्रू में कही है, सारी बातें बता दी है उन्होंने अपने बायोडाटा परिचय के देते हुए, सारा अवार्ड से लेकर पूरी। और एक आखिरी बात जो उन्होंने कही कि मैं अपने भारत की, इंडिया की जो संस्कृति है उसके लिए निरंतर कार्य कर रही हूँ, जो जिस तरह पश्चिम सभ्यता की जो मार चल रही है उसमें भारतीय संस्कृति की जो हमारी नृत्य है उसको जीवित करने का जो संकल्प है, ये तारीफ़ काबिल है। और इसी के तहत मैं फिर नेहा जी के पास लेके चल रहा हूँ, क्योंकि नेहा जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कह गई बिल्कुल थ्रू में, कि कथक नृत्य के साथ एक उनकी जो परंपरा जो वहाँ की नृत्य होती है वो थोड़ा सा दोनों में काफ़ी वो रहता है, और दोनों को बैलेंस कैसे करती हैं, क्योंकि उनकी जो कल्चर से जो नृत्य का उल्लेख करी है कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मगर काफ़ी उसमें कला में जो मुख के होते हैं, जो उनके एक्शन होती हैं मृदंग पैरा और चेहरे, खास करके चेहरे का, ये दोनों को बैलेंस कैसे करती हैं इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो जैसे मेरा दो फील्ड है, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी तो बेसिकली आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। उसमें भी टाइप्स है, तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम में कम्प्लीटली 4 सेक्शंस है, और वैसे ही कुचिपुड़ी में 3 सेक्शंस है। भरतनाट्यम का जो 4 सेक्शन है वो कलाक्षेपम, कला मंडपम और रविंद्र संगीत एक हो जाता है, जो कि बेसिकली कोलकाता वेस्ट बंगाल के तरफ शिफ्ट है, और एक जो है तंजावुर। तंजावुर जो है वो बेसिक ओरिजिन है भरतनाट्यम का। और नेक्स्ट आ जाता है हम लोग कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी में आंध्र नाट्यम, टेम्पल ट्रेडिशन और प्रॉपर कुचिपुड़ी, ये 3 चीज़ें हैं। तो होता ये है कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, जैसे लोगों को अगर हम लोग ये एक्सप्रेस करने जाते हैं कि कुचिपुड़ी है और भरतनाट्यम है, दोनों काफ़ी अलग है। जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क है उतना ही फ़र्क है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में। बट लोगों को अगर भरतनाट्यम में एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बेसिकली उसको भी भरतनाट्यम बोल दिया जाता है। बट कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम का मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि कुचिपुड़ी में चीज़ें ईजी में जाती है, मतलब फ्लावरिश वे में स्मूथली गोइंग रहता है, और वही चीज़ भरतनाट्यम जो होता है वो रिजिड हो जाता है थोड़ा। बाकी मूवमेंट्स वगैरह दोनों के अलग होते हैं, इसके एकदम स्मूथ गोइंग रहता है और स्टिफनेस उतना नहीं रहता है, बस नॉर्मल झुक के एक्सप्रेशन, स्माइल एक्सप्रेशन। और सबसे पहला चीज़ जब भी हम कोई भी नृत्य करता है, कुचिपुड़ी का नृत्य अगर होता है तो बेसिकली लिपसिंग होती है, वही चीज़ अगर हम भरतनाट्यम में शिफ्ट करते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उनके चीज़ें एकदम स्ट्रेट आने लगती है, थोड़ा घुमावदार रहता है, बाकी स्टिफनेस और रिजिडिटी के साथ ही होता है। और उसमें जो ओरल हम लोग जैसे बोलते हैं गा के अगर नृत्य करते हैं तो वो जो गाना लिपसिंग होता है वो नहीं होता है, ये एक मेजर डिफरेंस है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का। क्या बात कही है, हम वही कहना चाहते थे उन्हें, क्योंकि हमारी जो आँखें होती है और लिप्स होते हैं ये जो बहुत बड़ी जो छुपी उसमें रहती है, और जब पैर बाकी एक्शन जो होती है वो लगता है कि भरतनाट्यम, पर उनको विस्तार से उन्होंने डिफरेंस बता दिया। मैं यही जानना चाहता था, क्योंकि जो उन्होंने बताई बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, ये चीज़ समझ में आ रही है अभी जिस तरह से उन्होंने विस्तार से कहा है। अब हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप ये कितने सालों से, और ये सोच कहाँ से आई कि हमको इस तरह से भरतनाट्यम और ये बाल जो करना है मेडिसिन, ये आपको कब से और कितने लोग इसमें जुड़े हैं? मैं जब 2.5 साल की थी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट कहना चाहिए कि जैसे हमारे भारत का कल्चर है कि अगर हमारी मम्मियाँ वो ख्वाहिशें अगर पूरा नहीं कर पाती अपने टाइम पे तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन से वो पास ऑन करते चली जाती है। तो वैसे ही मेरी मम्मी का ख्वाहिश था कि मेरी बेटी अगर होती है तो मैं उसको क्लासिकल फील्ड से जनरली उसको लिंकअप करूँगी करके, चाहे वो संगीत हो या नृत्य। संगीत का तो मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं पहले, और बाद में अभी सिंगिंग में इंटरेस्ट आया, पहले नहीं था। तो शुरू से मेरे को डांसिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मम्मी ने फिर मेरी गुरुजी के पास लेके गई और फिर स्टार्टअप की मैं। आज मेरे को 19 ईयर्स हो गए इसमें, और दोनों को सीखते सीखते। और साथ ही सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब चीज़ें सीखते हैं तो लोग, हम लोग उस टाइम पे ये नहीं सोच के सीखते हैं कि हम बहुत बड़े किसी इसी फील्ड से जुड़े रहेंगे या जो भी है। बट एक टाइम ऐसा आया मेरे लाइफ में कि मैंने, मम्मी ने कहा कि बेटा तू भूल जाएगी चीज़ें तो तुमको स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी बोलते हो तो स्टार्ट करके देखते हैं। बट इतना कभी इतना ज़्यादा आने का कभी सोचा नहीं था, बस हाँ मुझे आता है
बस इतना ही था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया इस चीज़ को, तो वो धीरे धीरे, पहले तो 3 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया, मतलब जो स्टूडेंट्स थे मेरे, पहले वो 3 हुए, 3 से 30 हुए, आज 60 हुए। और अभी जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेप आउट किया था, वो था हैदराबाद 2017 में। मैं हैदराबाद के एक मंच पे गई थी, रविंद्र क्या उसका नाम मैं भूल रही हूँ एक्चुअली, रविंद्र भारती, हैदराबाद का रविंद्र भारती जो ऑडिटोरियम है, काफ़ी फेमस है वो, चाहे वो डांस के फील्ड में हो या सिंगिंग के, जो भी आर्टिस्टिक ऑडिटोरियम है वो कम्प्लीटली। तो वहाँ जाने के बाद, पहले तो पापा का सपोर्ट नहीं था डांस में, आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा है कि ये डांस वांस क्या करोगे, छोड़ो हटाओ, इससे कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। तो फिर उस टाइम पे पापा ने सपोर्ट नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो तब पापा ने वहाँ पे देखा कि कितना रिस्पेक्ट मिलता है एक आर्टिस्ट को। उसके बाद पापा का थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ इस चीज़ को लेके कि हाँ इसमें भी कुछ हो सकता है। और फिर वहाँ पे मैंने जो चीज़ देखी कि इतना महत्व है, तो वहाँ से मुझे लगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में जितना पावर है उतना किसी में भी नहीं है। तो तब से मैंने, मुझे वहाँ से एक आशा की किरण जगी मेरे अंदर कि मुझे सब, अब तो जो भी हो जाए मुझे अपने भारत के संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो वहाँ से वो दौर चालू हुआ और मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा। और मैं तेलंगाना को रिप्रेजेंट भी करती हूँ एपी भवन में, दिल्ली कल्चरल्स में प्रॉपर। तो वहाँ पे भी जाने के बाद काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे वहाँ पे मौजूद, और उनको देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद और ज़्यादा, मतलब उन लोग से भी मैं इंस्पायर होती गई कि मतलब आज भी लोगों के मन में वो चीज़ है कि जैसे हम अगर भारतीय हैं, हम अगर यहाँ के निवासी हैं, तो हमारे अंदर वो कल्चर है। आज भी जैसे भारत का तिरंगा सभी कभी भी लहराए तो हमारे अंदर एक गूजबम्स आता है, कितना भी आप सोचो कि नहीं उतना नहीं, बट स्टिल अगर 26 जनवरी जब जब आपके सामने तिरंगा लहरता है तब तक हमारे मन में और वो प्राउड फील होता है। तो बस मैं वही सोच के आज इस दौर को आगे बढ़ा रही हूँ, और जब तक मैं हूँ, मेरे सांसें हैं, तब तक मैं करूँगी ये चीज़। बड़ी मार्मिक और बड़ी राष्ट्र की जो प्रेम की बात को आपने समेटा है, इस भारत की संस्कृति को, ये आपके हम जीवन की ये जो धारणा है ये जीवंत आपके साथ जीवित रहे, और इसी भावना से आप आगे एक बड़े जो बैठे बैठे जो होती है कला, मैं चाहता हूँ कि दो दो तीन तीन हमारे कैमरे में कैद भी हो जाए, क्योंकि कुछ एक्शन जरूर खड़े होकर नहीं हो सके, पर आंखों की भाव होती है और मुंह जो थे बताएं उन्हें आधार का और इसका आइस का, वो यदि कुछ एक आध दो फोटोग्राफ यहाँ एक्शन करके बता दें तो जरूर लगेगा कि हाँ सही में नेहा पटनायक इसमें परिपूर्ण है, तो हमारे दर्शक भी खुश हो जाएंगे जी। मैं तो बस एक ही चीज़ करूँगी जिसमें सारा चीज़ें कवर हो जाए, और जैसा कि हमारे सबसे पहले नृत्य की आराधना हम लोग नटराज जी से ही करते हैं, फादर ऑफ डांस, तो मैं उन्हीं का जो ध्यान श्लोक है मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी। आंगिकम भुवनम एस्या वाचिकम सर्व वामयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वं नुमः वंदे सात्विकं शिवम्। जो हमारी शाचो मुद्राओं का उन्होंने बड़ी बेहतरीन ढंग से शिव की उसको, और जिस नाटिक की हम पूजा करते हैं नाटिक को अपने अपने ढंग से उनकी वो दिया गया है व्याख्या, उसकी उन्होंने प्रथम प्रार्थना अर्जी जो स्टार्ट करते हैं वो आपके सामने हमारी नेहा पटनायक ने रखा, हमारे सोच विचार मीडिया के सामने आप आई। जिस तरह से उन्होंने कहा कि तेलंगाना जो हमारे पड़ोसी राज्य बना है, काफ़ी लेट बना है, छत्तीसगढ़ उसके पहले से हमारी थी, बन जाना था हमारे राज्य के साथ, आज उसको एफिलिएटेड कर रही हैं, और साथ में हैदराबाद और उस रविशंकर जी उसके उन्होंने स्टूडियो का बोला वहाँ भी हमने कई कार्यक्रमों को दिया है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हम 70-80 में, आज ये सारी चीज़ें यादें ताज़ा कर रही थी, और इसी के तहत मैं आज सोच विचार मीडिया में जो समय दी नेहा पटनायक, और जो आज अपन हमारे भारतीय संस्कृति को, जो भारतीय नृत्य जो हमारी प्राचीन है उसको जीवित करके बढ़ रही हैं आज की युवा पीढ़ी, ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। इसी के साथ मैं पुनः आप सबको यहाँ जो आए जो समा दे हो ये कर लिए कोटि कोटि बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ऐसी खबरों की हमारे साथ विचार मीडिया में नमस्कार।